जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के सीरीज में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10, आज आखिरी इलस्ट्रेशन करना है 11 वाला। सत्यम शिवम सुंदरम तीन पार्टनर हैं ग्रेट स्टेशनरीज के। 1:1:2 में इनका प्रॉफिट जाता है। सत्यम शिवम एंड सुंदरम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:2, 1/4, 1/4 और 2/4। 1 अप्रैल 2020 को शिवम रिटायर हो रहा है, यानी ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, लोन दिया हुआ सत्यम का। सत्यम मतलब ये वाला पार्टनर। गुडविल वैल्यू करी गई है 1,20,000, बट द सेम विल नॉट अपेयर एज एन एसेट इन द बुक्स। मतलब कोई मतलब नहीं है इसका लिखने का, बस ये है कि रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो आप और गेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया हुआ है नया सत्यम और सुंदरम का। थ्री रेशियो टू रेशियो थ्री आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से, प्लांट एप्रिशिएट हो रहा है 10% से। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। जो लोन है सत्यम का 94,000 का, उसकी जगह वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है 85,000 का फुल सेटलमेंट। मतलब कुछ भी पैसे नहीं लेगा, बेसिकली हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की कीमत 94 कर कर जा रहा है। प्रोविजन 5% बनाना है ट्रेड रिसीवल पर। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब नई जो फर्म बनेगी अब इन दोनों की, वहां टोटल कैपिटल हो जाएगी 3 लाख रुपए। टोटल कैपिटल हो जाएगी 3 लाख रुपीज, जिसको हम 2:3 बांटेंगे। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट नहीं करना, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अबाउट एडजस्टमेंट एंड ऑल्सो बैलेंस शीट थereafter। आपको जनरल एंट्रीज बनानी है और नेसेसरी और बैलेंस शीट बनानी है उसके बाद। तो जनरल एंट्री में सिंपल सिंपल, सबसे पहले जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री बना सकते हो आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है और क्योंकि ये प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको इसे डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। और सत्यम को, शिवम को, सुंदरम को, सबको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। सबको आपको सत्यम शिवम सुंदरम 30,000, फिर 30,000 और फिर 60,000। सत्यम्स कैपिटल अकाउंट, शिवम्स कैपिटल अकाउंट और सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट 30,000, 30,000, 60,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ₹1,20,000 इन 1:1:2। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट होने का मतलब है बढ़ रही है वैल्यू, बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगी, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगी तो बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट कर लेंगे दोस्त और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लेंगे। इसके अलावा और कोई प्रॉफिट वाली चीज है? नहीं है। प्रोविजन और प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 2,50,000 का 20% बढ़ रही है 50,000 और 50,000 लिखेंगे। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 50,000 या 20%, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नहीं नहीं सर, लॉस हो रहा है यहाँ पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 1,60,000 का 10% हो गया 16,000 और 16,000। प्लांट डेप्रिशिएटेड बाई 1,60,000 का 10%।
इन्वेस्टमेंट सत्यम ले जा रहा है इन फुल सेटलमेंट, यानी सत्यम का जो लोन है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो लोन फ्रॉम सत्यम डेबिट कितने रुपए से? 94,000 से। क्रेडिट करना था बैंक, पर वो बैंक नहीं जा रहा है, वो हमसे इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, कितने रुपए का? 85,000। अब सर 9,000 रुपये क्या करेंगे? सर 9,000 रुपये को रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि इस समय जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एडमिशन रिटायरमेंट दैट, तो वो सभी चीजें रिवैल्यूएशन में जाती है, क्योंकि इस समय प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ये अकाउंट खोला गया जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सत्यम का लोन पे कर रहे थे समय, पे करते तो बैंक क्रेडिट होता है, पर वो बैंक पैसा नहीं लेकर गया, इन्वेस्टमेंट ले गया। इन्वेस्टमेंट अब 85 का ले गया या 94 का? 94 का, मतलब 85 का था, 9,000 का फायदा कर गया हमारे लिए। तो लोन फ्रॉम सत्यम हैज बीन पेड, इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते थे, पहले इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कर लेते 9,000 रुपए से, और फिर लोन फ्रॉम सत्यम तो इन्वेस्टमेंट कर लेते, बात एक ही है। रिवैल्यूएशन तो अल्टीमेटली क्रेडिट होना ही है, क्योंकि तो प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब बात यह है कि अरे यार यहां पर एक और एंट्री आ सकती थी प्रोविजन वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लान टू प्रोविजन, चलो अलग से बना लेते हैं उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखते हैं अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए के हैं? डेटर हैं आपके 68,000 के, उसका 5% 3,400, 3,400। प्रोविजन एट द रेट 5% क्रिएटेड ऑन डेटर्स, 5% का प्रोविजन बनाएंगे किस पर दोस्त? डेटर्स पर। गुडविल है फर्म की 1,20,000 रुपए की, जिसमें से हम शिवम का शेयर शिवम को दे देंगे 1/4, यानी 30,000 रुपये, और गेनिंग रेशियो निकालकर इसकी भी जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। इसका वर्किंग नोट हम यहाँ बना लेते हैं, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बुक के तरीके से करना है, बुक के तरीके से कर सकते हो, ऐसे करना है ऐसे कर लो। सत्यम के जाने से, ओ शिवम के जाने से एक तो सत्यम को गेन होगा, हो सकता है ऐसा, और एक सुंदरम को हो सकता है ऐसा। यहाँ लिखेंगे 1/4, यहाँ लिखेंगे न्यू में लिखेंगे 2/5 और 3/5। और यहाँ लिखेंगे इसका शेयर एक तो 1/4 और एक 2/4, इसका इसका ये ओल्ड है और ये न्यू है इनके। एलसीएम लेंगे 20, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 3/20, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 2/20। तो जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:2, जो गेनिंग रेशियो दोस्त वो कितना है? 3:2। आपको जो गुडविल है किसके हिस्से की? सुंदरम के हिस्से की या सत्यम, वो शिवम के हिस्से की, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो शिवम्स शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल है आपकी 1,20,000 और उसको बांटना है शिवम के हिस्से की 1/4, 30,000 रुपये। 30 को बांट दो, सत्यम और सुंदरम को डेबिट कर दो, सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, 3:2 में जाएगी ना, सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू शिवम, जो पार्टनर जा रहा है टू शिवम, सत्यम डेबिट सुंदरम डेबिट टू शिवम। अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड 30,000 रुपये। पहले एंट्री इन्होंने सेकंड नंबर बना दी, हमने बाद में बना दी, तो हमारी बिल्डिंग वाली बन गई, जनरल रिजर्व वाली बन गई, प्रोविजन वाली बन गई, सत्यम लोन वाली बन गई,
अभी रिवेल्यूशन का प्रॉफिट लॉस बांटने वाली रह गई है। रिवेल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेगा, ये प्रॉफिट है 50 का, लॉस एक 16 का है और एक ये है 16 और 3 19, 400 होगा। तो बाकी का हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन जिसको बांटेंगे हम लोग यहाँ पर 50,000 में से, 50,000 के प्रॉफिट में से दोनों लॉस, एक ये वाला और एक ये वाला, 19,400 का 50,000 में से 19,400 जाएगा, 39,600, 39,600, 39,600 किस किस की कैपिटल में जाएगा दोस्त? सर अगर जर्नल एंट्री बनाने को बोलता है तो क्या हम रिवॉल्यूशन नहीं बना सकते? बना सकते हो, मना नहीं है सर। क्या पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना सकते? बना सकते हो, मना नहीं है। सब चीज़ें बेटा वर्किंग नोट में जाएंगी, क्योंकि वैसे भी आप जो है फाइनल आंसर जो है, जैसे अभी इसके नीचे वाली एंट्री आप जो देखोगे 207900 जो अपने आप से नहीं आ जाएगी, ये अपने आप से नहीं आ जाएगी, 9900 9900 और 18,000 और 19,600 19,800, ये पूरा आपका रिवेल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:2, तुम्हारी सारी एंट्री बन गई, सिर्फ शिवम कैपिटल टू शिवम लोन रह गई है। अब कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये बसता है, एक तो बैलेंस शीट बनानी है फेयर में, इसके अलावा क्वेश्चन ने देखो रिवेल्यूएशन अकाउंट भी बना रखा है, बैंक अकाउंट भी बना रखा है, पार्टनर्स कैपिटल भी बना रखा है और ये वर्किंग नोट भी बना रखा है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वैसे तो बना दे, मना नहीं है, बट हम कुछ अलग तकनीक से पार्टनर्स कैपिटल को देखना चाहते हैं। कैसे अलग तकनीक है कि हमें जो फाइनल एंट्री बनानी है उसमें सबसे कॉन्सेप्ट ये है कि 3 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो 2:3 में बांटनी है एंड में, उसके लिए हमें बैलेंस शीट ही चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बढ़िया वर्किंग नोट कुछ भी नहीं है। बट एक मिनट के लिए मान लो कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसी चीज नहीं बनाते हैं तो क्या हुआ? सर जब बनाता है क्वेश्चन तब तो आप मना करते हो, और जब मना करता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जब बना रहा है तब तो आप बनाने की जिद कर रहे हो। तो देखो आज मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाता हूँ सबसे बेहतरीन तरीके से, 3 लाइनों में पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा। जिसको पेमेंट करना है उसका नाम शिवम है। सबसे पहली बात बताओ, यहां पर सत्यम शिवम सुंदरम कितने कितने से क्रेडिट हुए सर? 30 30 60। आप इनको पार्टनर्स कैपिटल में कहां ले जाते? तो इनका बाई बैलेंस बीडी लिखो 1,95,000, 1,48,000 और 1,12,000, ये बाई बैलेंस बीडी है ना। चाहो तो क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, मना नहीं है, प्लस करो जब जब पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। जैसे मैं बैंक सिखाता था ना आपको, बैंक अकाउंट जहां जहां डेबिट हो रहा है उसे प्लस कर लो, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आप जब जब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है आप इसे देख लो। अब क्या यहाँ पार्टनर क्रेडिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पार्टनर क्रेडिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पार्टनर क्रेडिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पार्टनर क्रेडिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सर कैसे बोल रहे हो? यहाँ पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, शिवम क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, शिवम क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, शिवम क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि शिवम क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। तो आप उसके क्रेडिट साइड में जाके लिख दोगे कि आपके पास जो पैसा आया वो सत्यम से आया है और सुंदरम से आया है। और सत्यम बोलेगा, हे शिवम तूने क्या किया, मेरा 18,000 रुपया मुझसे ले लिया इस एंट्री की वजह से। मैं सिंपल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखा रहा हूं, बस क्रेडिट साइड जाने वाली चीजों को जोड़ रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ताकि अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी नहीं बनाना पड़ा, नहीं बनाना चाहते, तो भी हम आंसर निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन में वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, फेयर सॉल्यूशन में बोलेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, तो बनाना है भैया, मना नहीं है। बट इस टेक्निक सिखा रहा हूं आपको, कहीं भी जहां पार्टनर कैपिटल क्रेडिट है जोड़ दो बाई बैलेंस बीडी के साथ। इसके अलावा रिवेल्यूशन का प्रॉफिट बांटा है तो अगेन बताओ मैं क्या करूं, जोड़ू या घटाऊं? सर जोड़ दो, 9900 9900 19,800। इसके अलावा बताओ मुझे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जोड़ना है या घटाना है? घटाना है, जोड़ना है। सर अब आपको सिंपल काम करना है, यहां पर दो जनरल एंट्री और बनेंगी और एक बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट के लिए तो मेरे पास बहुत जगह है। बात यह है कि मुझे शिवम को कितना पेमेंट करना है जो कि लोन में पहुंचाना है उसको, 148 30, 178 30, 2,08,000, 2,17,900। देखना जरा 2,17,900 आ रहा है क्या? नहीं सर, 2,0 2,07 आ रहा है, 178 2,08,000 2,17,900 आना चाहिए। यार ये डेबिट भी हुआ है क्या शिवम कहीं पर? शिवम 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 207 का आ रहा है, 148 178
एक मिनट भैया, अरे 30 से यहाँ क्रेडिट, ओ माय गॉड, यहाँ पर गलती हो गई है क्या यार? कितनी बड़ी गलती हो गई, सही है, सब पता चल गया। 80,000 का था जनरल रिजर्व यार, मैंने 1,20 का समझ लिया। एंट्री भी गलत कर दी तो पोस्टिंग भी गलत कर दी, इतनी देर सबसे पहली एंट्री करी है। इसका मतलब एक और चीज़ है कि बेटा मैं सॉल्यूशन की तरफ मेरा नज़र ही नहीं रहती है, मैं क्वेश्चन ही करता जा रहा हूँ। मैंने 1,20 लिया क्यों? मैं तो ये भी समझ में नहीं आया, शायद गुडविल को देख के ले लिया। इसलिए 207900 कुछ भी पेमेंट नहीं करना, 7,900 का भी पेमेंट नहीं करना, 50% भी नहीं करना। पूरा का पूरा पैसा बोल रहा है शिवम का, रिटायरिंग पार्टनर का पूरा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो। तो शिवम कैपिटल को डेबिट करेंगे बिना कोई कैपिटल अकाउंट बनाए किया मैंने काम। शिवम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे शिवम के लोन अकाउंट। कितना? 207900, 207900 शिवम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और शिवम के लोन अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। तो शिवम्स ड्यू बैलेंस या बैलेंस ड्यू ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, ट्रांसफर हो गया उसके लोन अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं। इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म विच विल कंट्रीब्यूट टू द सम। अब 3 लाख रुपए की जो कैपिटल है यहाँ पर, इस तरीके से वर्किंग नोट में जो नई कैपिटल आएंगी इनकी, सत्यम और शुभम की, जैसे मैं आपको पहले से वर्किंग नोट बनाना सिखाता था, दो जर्नल एंट्री की जगह ऊपर छोड़ दूँ, यहाँ से बैलेंस शीट बन जाएगी। सत्यम की जो नई कैपिटल है, सत्यम न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल समझते हो आप? वो जो टू बैलेंस सीडी में मैं लिख कर चलता था, फिर कंपेयर करता था। जी सर याद है। 3 लाख रुपये उसको 2:3 में बांटना है, यानी 3 लाख × 2/5 आएगी 1,20,000, और उसकी आएगी 3 लाख × 3/5 ये आएगी 1,80,000। ये सत्यम की है और ये सुंदरम की है, शिवम तो चले गए। 1,20 और 1,80, अब इनका खुद का बैलेंस देख लो कितना है, 195 और 20, 2,15,000, 2,15,000 और 9,900, 2,24,900, 2,24,900 -18,000, 2,06,900, और चाहिए सिर्फ कितना, 1,20। तो देखते हैं कुछ माइनस किया है क्या इसने। जी सर माइनस तो किया है, पर कितना किया है ये नहीं मालूम। 2,24,000 लग रहा है यार, ये तो कुछ गड़बड़ी है क्या। 2,15,000, 2,24,900, 2,24,000 में तो 900 में चाहिए, 2,06,900। देखो ये बचा है इसका बैलेंस, ये फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है कितना, ध्यान से देखना इस बैलेंस को, 2,06,900, इतना पैसा फॉर्म में है। उससे बोल रहे जाओ 1,20 ले आओ, बोल रहा है यार क्या पागल वागल हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे पड़े हैं, मतलब मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं और मैं तुमसे बोल रहा हूँ जाओ 8 रुपए लेके आओ, तुम बोलोगे भैया 2 रुपए मुझे वापस दो। 2,06,900 पहले से फॉर्म में पड़ा हुआ है मेरा, 1,20 लाने की बात हो रही तो मैं तो लेकर जाऊंगा। तो पहला पार्टनर जो भी है, दैट इज नोन एज सत्यम, सत्यम की कैपिटल, सेम काम आप करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय। पर मेरा ऐसा, मेरा मन करता है जब इन्होंने नहीं बनाया तो हम बनाएंगे, जब इन्होंने बनाकर दिया वर्किंग नोट में तो हम नहीं बनाएंगे, हम दोनों तरीके सीखेंगे, दोनों अप्रोचेस फॉलो करेंगे। 86,900 का पेमेंट कर दिया हमने इसको, किसको? सत्यम भैया को। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका फॉर्म में पैसा ज्यादा पड़ा हुआ था, चाहिए रिक्वायरमेंट कम की थी। सेम अभी कंपैरिजन करेंगे सुंदरम की, तो यहां लिखेंगे एक्सिस मनी विड्रॉन या पेइंग बैक टू विड्रॉन बाई पार्टनर शिवम, पार्टनर सत्यम। यार एक जैसे नाम है इनके, सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसी के बगल में जनरल एंट्री, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए मुझे कम से कम इतनी जगह चाहिए। दूसरे वाले का कंपैरिजन करते हैं सर। 1,12,000, 1,52,000, 1,52,000 और 171,800, 171,800 से 12,000 रुपए का ये तो 1,59,800 रुपीज आएगा, यानी इतना पैसा फॉर्म में। और मैंने इसको बोला जाओ 1,80 लेकर आओ, ये थोड़ी ना बोलेगा मुझे पहले वाले की तरह अरे मेरा ज्यादा पैसा पड़ा है, ये बोलेगा हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ये कोई 20,000 कुछ रुपए लाएगा, 20,200, 20,200। ओ माय गॉड, माय आंसर इज करेक्ट। तो उसके लिए उल्टी एंट्री बनेगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और कौन सा पार्टनर है? इसका नाम सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। सुंदरम कैपिटल अकाउंट 20,200, 20,200। थोड़ा सा यार ओवर राइटिंग हो रही है, ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। देन नेक्स्ट बैलेंस शीट आपको और बनानी है इस क्वेश्चन की, और वैल्यूज जो है आपको नई वाली रिवाइज वैल्यू ले लेनी है, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है।
बैलेंस शीट सिंपल फॉर्मेट है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट लाइबिलिटी अमाउंट, ज्यादा बड़ा कॉलम हो गया, एसेट्स और अमाउंट। चलो सबसे पहले सत्यम शिवम सुंदरम की कैपिटल। सर सत्यम की कैपिटल कौन सी वाली लिखोगे? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। सर ये वाली लिखेंगे, 1,20,000, 1,20,000। सुंदरम की भी बैलेंस शीट मैच हुई तभी काम बनेगा। 15 नंबर का बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कठिन नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो है दिमाग लगाना है। चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बुक की तरह की। नेक्स्ट शिवम का सारा पैसा लोन में ट्रांसफर किया था हमने जनरल एंट्री पास कर कर, ये रही 207900। यार कितने सिमिलर नाम है शिवम सलोन, 207900। इसके अलावा क्रेडिटर ट्रेड पेबल्स कुछ है क्या क्वेश्चन में? जी सर क्रेडिटर है 75,000 के। अब चलते हैं जरा एसेट साइड, 2 मिनट, सारी चीजें एकदम नए पैटर्न पर लिखनी थी मुझे। ये बेटा किसी काम का नहीं होगी, ये एडजस्टमेंट हमारी बैंक अकाउंट के थ्रू इनकी कैपिटल को डेबिट क्रेडिट कर दिया था, एडजस्ट एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आपका देना लेना कर दिया है। बिल्डिंग 2,50,000 रुपए की थी, आखिरी क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था 2,50,000 की थी, 50,000 रुपए से गेन किया हमारी बिल्डिंग ने, तो वैल्यू हो गई हमारी नई 3,00,000। चाहो तो यहाँ शो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ कैसे करते हैं। इसके अलावा प्लांट में कमी आई थी और डेटर का प्रोविजन बना था, तो प्लांट जो है 160 का था 16,000 से गिर गया था, डेप्रिशिएट हुआ था, तो माइनस कर देंगे 16,000, तो नई वैल्यू हो जाएगी 1,44,000। इसके बाद डेटर जो है आपका वो है आपका 68,000, मैंने ट्रेड रिसीवेबल का नाम डेटर लिख दिया, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। लेस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन प्रोविजन कितना है 3,400, 64,600 रुपीज आया है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट को बाद में देखते हैं, बिल्डिंग होगी प्लांट होगी, इन्वेस्टमेंट कौन कौन बच्चा इन्वेस्टमेंट डालेगा 85,000 का? सर क्यों डालेंगे, इन्वेस्टमेंट तो गया ना, ले गया ना, गया यहाँ से हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट। स्टॉक पे कोई चेंज नहीं है वैल्यू में, 45280 स्टॉक की वैल्यू, 45280 बड़ी अजीब सी वैल्यू। हाँ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट या तो बुक की तरह देखो बैंक अकाउंट बना के दो, या अपना वाला शॉर्टकट 95720 जो पैसा लाया है पूरे बैंक अकाउंट ढूंढो, क्या कहीं बैंक है, क्या कहीं बैंक है, क्या कहीं बैंक है, क्या कहीं बैंक है। अरे सर कैसा तरीका, ये तो ही बैंक क्रेडिट हो रहा है मतलब जा रहा है, डेबिट होता है मैं तो आ रहा है, पर पहले तो सर आपने सिखाया था क्रेडिट हो रहा है तो आ रहा है। बेटा तब हम पार्टनर कैपिटल में खड़े थे, अगर आप इस सत्यम कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये किस तरफ दिखेगा आपको, डेबिट साइड, वही सेम तरीका है, डेबिट वाला माइनस क्रेडिट वाला प्लस। अभी सिंपल देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है, बेसिक रूल क्या होता है कैश और बैंक का, रियल अकाउंट बना गोज आउट या क्रेडिट द गिवर दोनों लगते हैं इस पर। 86,900 में हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 86,900 को, पैसे ले गया, और 20,200 प्लस कर देंगे, 20,200 प्लस कर देंगे, तो नेट आंसर बचेगा हमारा 95,115,915,920 में से 86 गए 86,995 1,05,000 29,020 रुपये शायद 29,020। एक बार चेक करते हैं इनके पास बैंक अकाउंट है, ओ माय गॉड एकदम सही है 29,020 रुपये 3,00,000 4,00,000 4,44,000 4,48,000 4,48,000 और आपका 5,08,600 5,08,600 अरे यार टोटल कर लो मुझे नहीं मालूम 3,00,000 3,00,000 5,00,000 5,00,007,000 5,07,000 584,900। एक बार चेक कर ले रहा हूँ बैलेंसेस, अगर सही है तो बैलेंस शीट मैच करा दे रहा हूँ मैं, 582 आ रहा है भैया, गलत कर रहे हो आप, जल्दी में हो लग रहा है 582,900, कोई कमी हो तो बता देना, एक बार इंडिविजुअल बैलेंस चेक कर ले रहा हूँ। 3,00,000 सही है, 144 सही है, 45,280 सही है, 64,600 सही है, 29,020 सही है, सभी आंसर सही है। इसी के साथ लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी हैं, तब तक के लिए व्हाट्सअप नंबर आपके पास मेरा सेफ रहेगा, सेव रहेगा 7906786.